हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको D18 स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग कर बताएंगे। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स में फ्रंट पर इसकी तस्वीर है और नीचे इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। साइड में इसका SKU और कलर है और बैक साइड में इसके डिटेल्ड फंक्शन दिए हुए हैं और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का भी इसमें बताया गया है। गूगल प्ले स्टोर और iOS का इसमें बताया है। अगर नीचे फर्दर हम जाते हैं तो ROH सर्टिफाइड है और मेड इन चाइना है। और अगर हम इसके मैनुअल की बात करें तो इसके अंदर भी बुकलेट है जैसे दूसरी वॉचेस में होता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि इसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है बल्कि ये ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में है। मगर यहाँ पर आपको ये आइकन स्कैन कोड देखने को मिलता है जो iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए है, तो आप इसे भी स्कैन कर इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वॉच की ऐप का नाम हराय फाइन है, जो कि आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पर वो कुछ इस तरीके से आइकॉन दिखता है। आप देख सकते हैं ये हराय फाइन है, हमने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है। तो आए अब हम वॉच की तरफ चलते हैं और आपको इसे कनेक्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले वॉच के स्ट्रैप्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर इस टाइप के स्ट्रैप्स आते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत फाइन क्वालिटी के स्ट्रैप्स हैं। और अब हम वॉच की तरफ जाते हैं तो ये देखें, वॉच की क्वालिटी कुछ इस तरीके की है। इसकी स्क्रीन नॉर्मल D18 से बड़ी है, इसी D18L कहा जाता है। तो आए हम इस वॉच को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी वॉच स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट होने के बाद ये देखें, इसमें वॉच फेस आ रहा है। देखते हैं इसमें टोटल कितने वॉच फेस हैं। इसके अंदर टोटल 3 वॉच फेस है। अब आए हम इसमें फर्दर इसकी चीज़ें देखते हैं। इसमें स्टेप्स हैं, रेट मॉनिटर करने का, हार्ट बीट, स्पोर्ट्स के फंक्शंस हैं, मैसेजेस हैं, और मूड में जाकर देखते हैं और क्या क्या फंक्शन है। इसमें स्लीप फंक्शन है, म्यूज़िक है, वेदर फोरकास्ट का है। और ये देखें, आप यहाँ से भी इस बार कोड को स्कैन कर इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ रीसेट का ऑप्शन है और ये यहाँ पर आपको इसका वर्जन बताया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो इसमें आप कैमरे का ऑप्शन भी है और फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन भी है। तो आए अब हम वॉच को कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से कनेक्ट होती है। सिंपली आपको अपनी ऐप में जाना है, जैसे कि हमने पहले बताया था। ऐप में जाने के बाद आपको माई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका ब्लूटूथ ओपन हो। अगर ओपन नहीं है तो आप अपने ब्लूटूथ को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको ऐप पर वापस जाना है। ऐप पर वापस जाने के बाद आपको यहाँ ऐड डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, आपकी डिवाइस सर्च कर रही है और यहाँ पे D18L आ रहा है, वही वॉच जो अभी हमने आपको बताई थी। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हमारी वॉच कनेक्ट होगी तो हमारा टाइम भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्टेड लिखा हुआ आएगा। तो हम वेट करते हैं जब तक हमारी वॉच फ़ोन से कनेक्ट होती है। जब तक हम इसके बैंड फिक्स करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से लगती है। देखें, डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया है। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, जो कि व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है, कि ये ऐप कनेक्ट होने के बाद आपको हर चीज़ को ओके करना है। यहाँ तो ये व्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आप चाहें तो इसे व्यू भी कर लें। इसके अलावा हर चीज़ को आपको अलाउ करना है, स्पेशली इसकी लोकेशन का मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, हमने लोकेशन ऑन रखी है, अगर आपकी ऑफ होगी तो वो पहले आपको कहेगा कि आप लोकेशन को अलाउ करें। तो ये देखें, जब वॉच हमारी कनेक्ट होगी तो आपकी ऐप का फेस कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर शो कर रहा है कि कनेक्ट है और ये देखें, ऑटोमेटिकली हमारा टाइम चेंज हो गया, दैट मीन हमारी वॉच इससे कनेक्ट है। तो आए हम इसके फीचर्स थोड़े से देखते हैं। सबसे पहले इसमें कॉल रिमाइंडर है। अगर आप कॉल रिमाइंडर पर जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, टर्न ऑन कॉल रिमाइंडर और शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इससे आप जैसे ही कोई कॉल करेगा तो आपकी वॉच पर शो करेगा कि आपको किसकी कॉल आ रही है। इसके बाद हम फर्दर डिवाइस सेटिंग पर जाते हैं। डिवाइस सेटिंग पर हम जाएंगे तो फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, मैसेज रिमाइंडर्स है, अलार्म रिमाइंडर है, सेडेंटरी एंट्री रिमाइंडर है, रिमोट कंट्रोल सेल्फी है, स्लीपिंग मॉनिटरी है, ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, टेम्परेचर यूनिट है, यूनिट सिस्टम है, वाइब्रेट है, पावर सेविंग मोड है, लैंग्वेज सेटिंग है, वेयरिंग मेथड है,
सिंक्रोनाइज सिस्टम टाइम, अगर आपका टाइम वहाँ से ऑटोमेटिकली नहीं होता जो कि हो जाता है हर वॉच का, तो आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फैक्ट्री रीसेट है और ये रेज़ योर हैंड टू ब्राइटनेस द स्क्रीन का ऑप्शन भी है। इसके अलावा हम और देखते हैं, इसके अलावा आप ये डायल मैनेजमेंट में जाएंगे तो ये इसके डायल का ऑप्शन है। पहले हम लोकल डायल में जाते हैं, ये तीन डायल जो हमने आपको स्टार्ट में बताए थे वो यहाँ शो हो रहे हैं। दो लोडिंग है और ये पहला वाला शो हो रहा है। इसके अलावा हम इसके दूसरे ऑप्शन पर जाकर देखते हैं, डी वाई डायल है ये, यहाँ से आप अपनी वॉच पर अपना कस्टमाइज वॉच फेस लगा सकते हैं। तो हाँ, हम आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको सेलेक्ट पिक्चर करना है। सेलेक्ट पिक्चर करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद मुझे सिंपली कंप्लीट पे क्लिक करना है और उसके बाद अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो राइट का बटन है उसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको टाइम का ऑप्शन देगा कि आप कहाँ सेट करना चाहते हैं। आप इसे फिंगर से कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम इसे ओके करते हैं। जैसे ही आप ओके करें, इसके बाद आप सेव एंड यूज़ करें तो ये देखें आपकी वॉच में ये चेंज, ये देखें हमारी वॉच लोड हो रही है और ये यहाँ से हमारा कस्टमाइज वॉलपेपर शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर इसके फर्दर आगे चलें तो इसमें देखें स्टेप गोल्स भी बता रहा है कि आपके डेली आप अपने हिसाब से इसमें गोल सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेंज थीम में जाकर इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड प्रोटेक्शन जो अभी स्टार्ट में आई थी, आप चाहें तो वो भी रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें अबाउट में आपको इसकी ऐप का वर्जन बताया हुआ है। तो इस तरीके के इसके फ़ीचर्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वॉच में जब हमने कनेक्ट करी है तो क्या चेंजेस आई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, लॉन्ग प्रेस कर देखते हैं फाइंड माय फ़ोन। तो ये देखें इस तरीके से आपको ये फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन भी बता रहा है। और अब हम इसके कैमरे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैमरे का ऑप्शन किस तरीके का है। और इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस जो हमने आपको बताए हैं वो आप अपने वॉच से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से इसका कैमरे का ऑप्शन आ रहा है। और वॉच की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कम प्राइसेस में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। हाँ, हम इसको वेयर कर देखते हैं कि इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। आपको वॉच वेयर कर बताते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कोई भी स्मार्ट वॉच के रिलेटेड इशू हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखें इस वॉच का लुक कुछ इस तरीके से आता है। और इसमें फर्दर और भी डिटेल्स ऑप्शन हैं, वो आप चाहें तो एक एक कर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको क्लियरली दिखाया है कि आप किस तरीके से अपनी वॉच और इसके फ़ीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।